राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू। जब आपको लड्डू खाने का मन हो और आसपास लड्डुओं की कोई उम्मीद नजर ना आती हो तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। घर में बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए शुरू करते हैं नारियल के लड्डू बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं नारियल के लड्डू बनाना। अब इसमें कढ़ाई में हमने अभी लिया है 1/4 चम्मच देसी घी। इसमें हम इस तरह से 4 नारियल का भूरा 4 कप लेंगे। इसको 2 से 4 मिनट तक गैस पे लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की है इसमें कि हमने घी का यूज़ किया है, नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है, थोड़ा हमें उस ऑयल को ड्राई करना है, इसलिए हम इसको भूंज लेंगे। और इसके बाद लगभग 5 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और हाथों को भी आराम नहीं देना है, चलाते रहेंगे उसको, अगर हम नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा। और अब इसमें हम मिलाते हैं 1.5 कप शक्कर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप मीठा पसंद करते हो, ज़्यादा करते हो, उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं ज़्यादा शक्कर को। अब हमने इसमें शक्कर को ऐड कर दिया है तो हमें अपना चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और ये जब तक हमारी शुगर इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, इसके साथ मिक्स नहीं हो जाए, तब तक हमें अपने हाथों को रेस्ट नहीं देना है। और ये हमारे लड्डू की बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे और वो भी काफ़ी क्वांटिटी में। अब इसमें हम ऐड करते हैं मिल्क पाउडर। ये हमने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। इस मिल्क पाउडर से आपको खोबे जैसा टेस्ट आएगा। तो लगभग 5 मिनट हमने इसको बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पर चला लिया है, इससे शक्कर और मिल्क पाउडर जो डाला था वो अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसके हम लड्डू बनाने के लिए इसको बस इसी स्थिति में फ्लेम को ऑफ करते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स हो गया है इस मिक्सचर में। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। ये हमने इस तरह से अपना जो तैयार किया था गरी का भूरा के साथ मिक्सचर, ये हमने इसको यहाँ रख लिया है, ये ऑलमोस्ट ठंडा भी हो गया है। अब इसके लिए हमें कुछ हम ऐसा करते हैं कि हमारे लड्डुओं की साइज़ एक सी रहे, तो इस तरह से हमने एक चम्मच ली है। हम इसमें पहले एक इस तरह से लड्डुओं का मिक्सचर रख लेते हैं। ऐसा, और ये इतने ही लड्डू हम सारे उसमें बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारा एक लड्डू तैयार हो गया है। इसका शेप जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और इसको हम फाइनल करते हैं। इस तरह से हमने भूरा निकाल के रखा हुआ था नारियल का, इसको हम इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे, ऊपर की कोट नारियल की लगा देंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारा नारियल का पहला लड्डू बनकर एकदम तैयार हो गया। इसको तो फाइनली आप देखिए कि ये हमारा लास्ट लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। इसको हम इसमें बुरादे में करके और इसको हम अपने इसमें रख लेते हैं। हमने ये बनाए हैं
16 लड्डू इसमें हैं और इसके बाद कुछ लड्डू इसमें भी आ गए हैं, 21 लड्डू इसमें हैं और 16 लड्डू इसमें हैं। ये सफिशेंट है एक परिवार के लिए, छोटे से परिवार के लिए, फेस्टिवल के लिए। देखा आपने 400 ग्राम गरी में हमने इतने सारे लड्डू रेडी कर लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह से हमने नारियल के लड्डू बना लिए। देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी लड्डू हैं। त्योहारों में आप इन स्वीट्स को यूज़ करिए, आने वालों का स्वागत करिए, खुद खाइए, परिवार के साथ एंजॉय करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि हमारे जो अपकमिंग आने वाले वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।